अरे कुलटी वासियों की इतनी चिंता है तो कारखाना खुलवाए ना। एमपी से मुराद मतलब कौन क्या, क्या? अरे एमपी साहब का दर्शन हो जाए तो कुलटी वासी बहुत खुश हो जाए। एमपी साहब तो जीत के कहा है, उनका तो पता ही नहीं है। और मतलब एमपी मतलब बाबुल सुप्रियो। हाँ बाबुल सुप्रियो से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, वोट आएगा आप आइएगा राम नाम का। अच्छा ठीक है चलिए राम नाम। एक बीजेपी का नेता बताइए जो यहाँ पे एक अच्छा मंदिर बनवाया खड़ा होके। एक बीजेपी का नेता का नाम, बीजेपी का नेता मेरे सामने आए डिबेट करे खड़ा होके बताए कि हम मैंने ही मंदिर को करवाया हूँ। जो भी काम हुआ है दीदी के कार्यकाल में हुआ है, हमारे लोकल विधायक लोकल मंत्री सब यही लोग किए हैं। मंदिर हो, रोड हो, रास्ता हो, नाली हो, पानी हो, जो भी विकास का काम हुआ है हम लोग दीदी के सरकार में देखे हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? संजीत कुमार साहब। कहाँ रहते हैं आप? कुटी के नुआ बाजार। युवाओं का इस बार ध्यान क्या है, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार आएगी पश्चिम बंगाल में? इस बार आएगी तृणमूल की सरकार आएगी। मतलब युवा जो है तृणमूल के साथ है? जी सर। प्रधानमंत्री तो आप लोगों को बोल रहे हैं कि बिहारी समाज और हिंदू समाज मुस्लिम समाज सारे लोग हमारे हैं, आप लोग जिस तरह से जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से केंद्र में हमारी सरकार है, अगर केंद्र के द्वारा अगर ये राज्य में पश्चिम बंगाल में भी अगर हमारी सरकार हो जाएगी तो हर फैसिलिटीज को दिया जाएगा। सर ये चीज तो मोदी सरकार 7 साल पहले भी कर सकता रहा कि रोजगार दूंगा, यू दूंगा, वो दूंगा। इलेक्शन के समय आता है, रोजगार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा करके चला जाते हैं अपने काम करके। बगैर ये दे दीदी बहुत सारा ऐसा लॉकडाउन में ऐसा काम हुआ कि जो दीदी की ये सब अभी तो बीजेपी वाले आए 2-3 महीने से चिल्ला रहे हैं ये हुआ वो हुआ। तो बोल रहे थे सर कि पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा का इलेक्शन है और विधानसभा के इलेक्शन में युवा जो है इस बार का निर्णय लेगा कि युवा जो है किसकी तरफ में है, तो सर आप लोग का अपना मत क्या है? सर हम लोग का यहाँ मत है, हम लोग यहाँ इलेक्शन इस बार जो हम लोग का विधानसभा का इलेक्शन है हम लोग विकास के नाम पे देख रहे हैं। और हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्होंने हमारे यहाँ कुलटी क्षेत्र में बहुत सारा विकास किया है। पहले यहाँ सर सड़क पहले कच्ची सड़क थी, आज के दिन में हर गली में पक्की सड़क हो गई है, घर घर में पानी पहुँच रहा है। तो क्या हिंदुत्व के नाम पर कोई वोट नहीं मिलेगा क्या भाजपा को? नहीं सर मिलेगा, लेकिन हम लोग सब देंगे अपना ममता बनर्जी को। मतलब विकास के माध्यम से दीजिए, हम लोग विकास का मुद्दा देखेंगे सर, जो हम लोग का विकास करेगा हम लोग उसी को वोट देंगे। मिठुन कुमार आप कहाँ बैठे हुए हैं? बस मंदिर में बैठे हुए हैं शाम का टाइम, क्या करें, इतना बेरोजगारी हो गया है कि कुछ हम लोग को मिल नहीं रहा काम करने के लिए। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा आपको रोजी रोटी कुछ नहीं? आप पढ़ते हैं क्या, स्टूडेंट हैं? जी हम पहले पढ़ते थे, अभी नहीं, अभी कुछ कर नहीं है। नहीं क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? दीदी का। मतलब टीवी मतलब पश्चिम बंगाल में क्या पूरे लोग सब दीदी के साथ है क्या? जैसा किए हैं आज 10-15 साल से जो डेवलप हुआ है बहुत ही ज़्यादा। आज ये गली में रास्ते में कभी लाइट हम लोग देखे नहीं थे, आज तक नहीं देखे थे। आज हम लोग इतना आराम से रात को भी, रात को 2 बजे रात को भी चल जा रहे, कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो रहा। उसके लिए दीदी के लिए बहुत ही धन्यवाद। आने वाला विधानसभा में फिर उज्जवल दादा को फिर इस बार विजय करेंगे हम लोग। यहाँ तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे लोग सब एक साथ में सबकी, यहाँ पर हम लोग सभी नहीं कुछ नहीं है, किसी के पर्व में हम लोग, वो लोग भी आ जाते हैं, हम लोग भी आते हैं, वो मुस्लिम के पर्व में हम लोग भी जाते हैं, हम लोग अखाड़ा भी होने वाला है उसमें मुस्लिम आते हैं, कोई हम लोग यहाँ पर किसी तरह नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? गोपाल कुमार सोनी नाम है मेरा। गोपाल कुमार सोनी, कहाँ रहते हैं आप? कुलटी विधानसभा क्षेत्र में। कुलटी विधानसभा क्षेत्र में भैया, जैसे यहाँ तो सब युवा खड़े हुए हैं, युवा से बात भी मैंने की, युवाओं का मत जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि युवा जो है, देश का युवा क्या सोचता है, किसकी वोरो है। जैसे पश्चिम बंगाल में आज जो है दीदी ममता बनर्जी के द्वारा जो कैंडिडेट का जो घोषणा किया, नामांकन जो नाम का जो घोषणा किया गया, तो यहाँ पर विधानसभा कुलटी विधानसभा क्षेत्र में उज्जवल चटर्जी का नाम आया, तो उज्जवल चटर्जी कैसे कैंडिडेट हैं, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा सर, इनका ऐसा कैंडिडेट कोई है ही नहीं। अच्छा। जितना इन्होंने काम किया उतना आज कल कैंडिडेट में कोई करके दिखा दे मंत्री। और जो भाजपा की बात हो रहा है सर, भाजपा की तो कोई बात ही नहीं है, जो उन्हें जीत के किया है उनके विषय में तो बोलना ही बेकार है। उनको सिर्फ इलेक्शन से मुद्दा है, ये करेंगे वो करेंगे, इनसे लड़ाएंगे उनसे लड़ाएंगे और जैसे नाम लेंगे, मतलब उनका बात का वैल्यू ही नहीं है। तो क्या राम का जय श्री राम का नारा इस बार जो गूंजेगा? ये सिर्फ एक मुद्दा है कि हमसे उनसे लड़ाने का मुद्दा है। और हम लोग कुलटी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो यहाँ पर सारा पब्लिक आपस में मेल है, यहाँ पर हर एक जाति है,
हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर एक जाति का यहाँ पर लोग है, लेकिन ऐसा में कोई मुद्दा नहीं है। और यदि इलेक्शन समय में आता है और एक मुद्दा लेकर आते हैं कि यह श्री राम का नाम से ये करेंगे वो करेंगे, ये सिर्फ एक भड़ास है। जिन्होंने आज ममता के दायरे में इतना काम लोग हुआ है पुलिस क्षेत्र में, ऐसा आज है ही नहीं। तो इस बार लगता है कि विधानसभा क्षेत्र में, कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में युवा जो है दीदी के साथ पूरा फूल भाव समझते हैं। हम लोग को जो आज दिल में जाहिर इच्छा है, जितना इनको करना काम, हम लोग पूरा दिल से इनके साथ हैं, सिर्फ दीदी साथ हैं। हम लोग का TMC जितना भी जो कर रहा है, इनका जो क्षेत्र में जितना भी काम हो रहा है, इनके दायरे में आज भाजपा का नाम यहाँ पर ना है ही नहीं। नहीं, यहाँ तो केंद्र मंत्री बाबुल सुप्रियो भी यहाँ आते हैं, यहाँ आ करके लोगों के बीच में रहते हैं। और उनके लिए क्या आपको वो तो सर दिखाई ही नहीं दिए। पूरा लॉकडाउन खत्म हो गया, उनको पता नहीं है कि लॉकडाउन में क्या है, कहाँ आदमी जिंदा है कि मर गया है, क्या हुआ, किनको खाना मिला नहीं मिला, उनको पता ही नहीं आज तक। वो सिर्फ इलेक्शन में आए थे और इलेक्शन में एक सिर्फ गाना गाएंगे, आर्टिस्ट जहाँ तक चाय पियेंगे और चल देंगे। लॉकडाउन में आपका पश्चिम बंगाल राज्य में लॉकडाउन में कौन नजर आए आपके साथ, दुख दर्द में आपके कौन लोग थे? हमारा सब सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ता जितना भी है, सिर्फ वही नजर आया और दूसरा कोई नहीं। अमित जी बोल रहे थे कि ये जो बाबुल सुप्रियो के बारे में जैसे भाई बताए कि बाबुल सुप्रियो जो है लॉकडाउन में वो लॉकडाउन हो गए थे और यहाँ सिर्फ ममता बनर्जी लोगों के बीच में थी या उनके कार्यकर्ता थे, तो क्या ऐसा कुछ है, सत्य है कि या फिर देखिए भैया, जो काम करता है वो दिखता है, जो नहीं करता है वो, ये लोग तो सब आम जनता है, ये कोई पार्टी बेसिस पे है नहीं, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। इस बार पब्लिक क्या करेगी ये भी पब्लिक जानती है। इस बार ना तो जय श्री राम का नारा से कुछ होने वाला है, इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है। दीदी ने भी बोला है विकास, पब्लिक भी चाहती है विकास, दीदी विकास की है, पब्लिक वोट दे, पब्लिक अपना मत विकास के नाम पे देगी। देखिए युवा बेरोजगारी इतना देश में बढ़ गया है कि युवा भी परेशान हो गए हैं। आज युवा दर दर भटक रहे, अगर युवा नौकरी मांगने जा रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। क्यों, पढ़ लिख के रोजगार मांगना सरकार से गलत बात है? लो नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह गया। आज किसान इतना बड़ा आंदोलन कर रहा, बिहार में इलेक्शन हुआ उसके छिपा दिया गया, बिहार इलेक्शन हम लोग देखे, कोई हारा नहीं, उसको हरा दिया गया। तो तानाशाही नहीं चलेगी, ये दीदी है, बंगाल की शेरनी है, ये सब जानती है, ये पब्लिक भी दीदी के साथ है, इसलिए दीदी इतनी तैयारी के साथ बोल रही है कि मेरा सरकार बन रहा। अच्छा, जैसा कि अभी तो केंद्र के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र के आपका जैसे नड्डा जी हो गए, कैलाश विजयवर्गीय हो गए और दिलीप घोष हो गए, राहुल सिन्हा हो गए, अभी फिर जो है आपका 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी के आने से बंगाल में क्या ऐसा कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? जैसा कि पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा भी निकाला जा रहा, तो ये रथ यात्रा और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बंगाल के आने पर क्या ऐसा कुछ परिवर्तन होने का कुछ चांस है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी वाले बड़े बड़े नेताओं से यह क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप लोगों को बंगाल की संस्कृति पता भी है या नहीं? हमने अपने देश के प्रधानमंत्री जी को देखा है, जहाँ इलेक्शन होता है वो उस ढांचे पर ढल जाते हैं। ढांचे पर ढल जाने से नहीं होता, उस संस्कृति के बारे में भी तो जानना होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं उनका नया स्टाइल, दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, बाल सादा सादा कर लिए, अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर समझते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में उन्हें पता भी है? उनके नेताओं से पूछा जाता है तो कोई बोलपुर बोलता है, कोई सिवड़ी बोलता है, कोई सैथिया बोलता है, उन लोगों को खुद पता नहीं है कि रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जो भी हो, इससे पहले भी बिहार इलेक्शन में बहुत सारे नेता आए, उसका रिजल्ट देखा गया, माननीय तेजस्वी यादव जीत रहे थे, उनको हराया गया, वो हारे नहीं। ठीक है, तो बिहार वाला बिहारी लोग तो बदला लेगा बंगाल में? बिहारियों के साथ छल हुआ था, बंद दरवाजे से सरकार बनाया गया था, तो बंगाल की बिहारी पूरे दीदी के साथ है। और हम लोग यहाँ जिस वार्ड से बिलोंग करते हैं पूरे बिहारी भाषा भाषी है, यहाँ के वार्ड की जनता पूरी तरह से, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैंडिडेट की है उज्ज्वल चटर्जी, हमको नहीं लगता है कि उज्ज्वल चटर्जी के जैसा विधायक पूरा इंडिया में कहीं है, चलता फिरता विधायक है, जहाँ जो बोले वो करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए उनके साथ पूरा वार्ड 70 नंबर ही नहीं, पूरा कुल्टी की जनता उनके साथ है। चाहे नरेंद्र मोदी खुद खड़ा हो जाए इस सीट से, हमारे उज्ज्वल चटर्जी को छोड़ के कोई नहीं जीत सकता। एक कुल्टी विधानसभा क्षेत्र है, कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के आम जनता जो लोग हैं, उन लोगों का विचार आप तक पहुँचाने की कोशिश की, उन लोगों का मैंने विचार लिया। अब आने वाला समय, आने वाला वक्त ही बताएगा
कि अगला विधानसभा इलेक्शन में क्या भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की थर्ड राउंड में क्या ममता बनर्जी खुद अपनी सरकार बनाएंगी। इसी सिलसिले में मैंने लोगों से आलोचना किया, लोगों से बात की। मैं पश्चिम बंगाल से अब्दुल कलाम, हमारे कैमरामैन।